नासा के खलाई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चे वतन वापस पहुंच गए। दाऊद फाउंडेशन एंटरप्राइज टीम एजुकेशन के नन्हे साइंसदानों की हौसला अफजाई के लिए PDF सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां बच्चों ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदा हमना निसार इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। जी हमना, क्वार्टर TDF सेंटर में मौजूद हूं और यहां पे पाकिस्तान के वो 24 बच्चे जो नासा के सफर पे गए थे वो वापस आ चुके हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए यहां तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनकी टीचर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टीचर से बात करते हैं। जी मैडम, बताइए अपने बच्चों को वहाँ देखते हुए कितनी खुशी हो रही है? मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ और जिनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो इस काबिल हो गए कि ये मुकाबला जीत सके। और इस मुकाबले को जीतने के बाद हमें नासा जाने का जो मौका मिला, ये तो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। वहाँ जाके बच्चों ने जो एक्सप्लोर किया, जो लर्निंग की, और सिर्फ बच्चों की ही नहीं, हमारी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, क्योंकि वहाँ पर हमें परमिशन मिल गई थी रॉकेट सेंटर पर जाने की। तो रॉकेट सेंटर पर जाकर जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मैंने सीखा, वो भी एक इनक्रेडिबल मोमेंट है मेरे लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे ये नन्ही नन्ही बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताओ, सबसे पहले आपका नाम क्या है और क्या एक्सप्लोर किया वहाँ नासा जाकर? मेरा नाम सबीहा मोहसिन है। मैंने वहाँ जाके बहुत से मिशन और एक्टिविटीज की, जिसमें बहुत मजा आया। एक थी मून वॉक, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मून पे वॉक कर रहे हैं। और एक थी ग्रेविटी चेयर, उसमें बिल्कुल ऐसा था कि ग्रेविटी जैसे मून पे नहीं होती है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, वैसे ही इसमें भी ग्रेविटी, हमको ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है। बेहतरीन, यहाँ बच्चों का जज्बा इस कदर पुरअज़म नजर आ रही है लोग के यहाँ पे, जिस तरह जो चीज जाके उन्होंने नासा में देखी, एक्सप्लोर की, और वहाँ पे जाके जो उन्होंने एनवायरमेंट देखा है, तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और काफी जज्बा लेके आए वापस के पाकिस्तान को उससे भी बेहतर बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमने आपका बुलेटिन में शामिल करेंगे।